अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग अपना जो टॉपिक करेंगे वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। जैसे कि आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो आप सबको पता है, लेकिन आज जो हम करेंगे डेट इज़ एडिशन, मिक्स्ड फॉर्म को ऐड कैसे करती हैं, दो मिक्स फॉर्म को कि एडिशन जमा कैसे की जाती है वो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। पहला जी पार्ट, इस क्वेश्चन को हम एज इट इज़ पहले नोट करेंगे। डेट इज़ 1 3/8 प्लस 2 3/4। मिक्स्ड फॉर्म का पहले सॉल्व करने का मेथड आप सबको पता है, अगेन मैं बता देती हूँ कि डिनोमिनेटर की वैल्यू को होल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, देन प्लस करते हैं उसमें नॉमिनेटर की वैल्यू। कैसे? 8 1 8 + 3 8 9 10 11, सो 11 डिवाइडेड बाय 8, देन प्लस 4 2 8 9 10 11, दोनों के 11। अब ये तो हमने मिक्स फॉर्म को सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट आता है कि इन दोनों को ऐड करना। अब एक और चीज़ के फ्रैक्शन को कभी भी ऐड हम तब तक नहीं कर सकते जब तक इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम ना हो। इनको सेम करने के दो मेथड हैं, या तो ये कि आप इसका एलसीएम लें, या ये कि आप इसको टेबल पढ़ें किसी एक वैल्यू का और उसे दूसरे की इक्वल कर दें। ठीक, अब देखिए 8 को मैं 4 नहीं बना सकती, लेकिन 4 को मैं 8 बना सकती हूँ। सो मैं क्या करूँगी, आप चाहें तो इसी पर ही प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे तो नीचे स्टेप पर भी कर सकते हैं। मैंने इसी वैल्यू को नोट किया, ओके, मल्टीप्लाई बाय टू, इसको कुछ भी नहीं किया। अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। सो क्या वैल्यू हुई, मैं इसको इस साइड पे लिखती हूँ ज़रा। मल्टीप्लाई बाय टू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आई है हमारे पास, 11/8 एज इट इज़। 11 2 20 2, 4 2 8। ठीक, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। हमने सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने ये प्रोसेस किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो इनको एक फ्रैक्शन के साथ लिखेंगे, 11 + 22। ठीक, इनको ऐड अप करें तो क्या आता है, 11 और 22 को ऐड करें डेट इज़ 33/8। ठीक है, नॉर्मली तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बट फिर वही बात कि जब क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्म में है तो उसका सोल्यूशन भी मिक्स्ड फॉर्म में होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 33 को डिवाइड करेंगे 8 से। एक टेबल पढ़ेंगे, वी नो 8 4 32, सो रिमाइंडर कितना है 1। अब इसे लिखने का मेथड नीचे नहीं मैं लिख रही, मैं सामने लिख रही हूँ, आप नीचे ही लिखिएगा। लिखने का मेथड क्या है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू वैसे ही रहेगी। ठीक है, जो आंसर है इसका, जो क्वेश्चन फॉर्म में आंसर है 4 8 4 32, वो 4 लिखा जाएगा साइड पे एज अ होल वैल्यू। और जो हमारे पास आंसर बच जाता है, जो लास्ट में हमारे रिमाइंडर आ जाता है, वो हम नॉमिनेटर की जगह लिखेंगे 1। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैं इसका रफ़क रेस कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास लिखा है 6 7/10 और 3 3/5। इसको पहले हम दोबारा एज इट इज़ लिखेंगे, डेट इज़ 6 7/10 प्लस 3 3/5। ओके, हम कभी भी इसे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इसे मिक्स्ड फॉर्म को फ्रैक्शन में चेंज नहीं करते। सो 10 6 60 + 7 67/10, ठीक, प्लस 5 3 15 16 17 18 18/5। अब अगेन ये फ्रैक्शन में तो आ गया, बट फ्रैक्शन में इसको ऐड तब तक नहीं कर सकते जब तक इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम ना हो। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम करने के लिए, देखिए 10 को तो 5 बना नहीं सकते, बट 5 को हम 10 बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं 2, जो वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है वही वैल्यू नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करने। 67/10 तो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। देन 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें, वी नो 18 2 36 एंड देन 5 2
टेन। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड एक फ्रैक्शन के साथ। चलें जी, अब इसको ऐड करें, सिक्स ट्वेल्व थर्टीन टेन मीन्स 103। ये ऐड करने पे इसका आंसर है। अब जैसे क्वेश्चन वैसे इसका आंसर, मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन था तो उसका सोल्यूशन भी मिक्स फॉर्म में ही देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, टेन टेन ज़ा हंड्रेड, ठीक है, थ्री इसका रिमाइंडर। अब इसको लिखेंगे कैसे, टेन तो एज इट इज़ डिनोमिनेटर वैल्यू वैसे लिखी जाएगी, ठीक। अब जो क्वेश्चन फॉर्म में आंसर मीन्स ऊपर आता है उसे लिखेंगे एज अ होल वैल्यू, देन जो रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है उसको नॉमिनेटर में ऊपर लिखेंगे। क्लियर? आपका मोस्टली क्या होता है कि हम आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल ठीक, मिक्स फॉर्म में लिखा नहीं आप लोगों से सही जाते, इसको उल्टा सीधा कर लेते हैं। आप ये याद रखिए कि डिनोमिनेटर वैसे ही जो क्वेश्चन फॉर्म के आंसर है वो यहाँ पर, और जो रिमाइंडर है वो नॉमिनेटर की जगह लिखा जाएगा। क्लियर? होप कि आपको इसको समझ रही होगी। एडिशन के क्वेश्चन आपके हमने आज कर लिए हैं, आप लोगों ने इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो करने हैं, उसकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है ताकि हम चेक कर सकें। खुदा हाफिज़।